बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। चैप्टर नंबर 13 में जब हमने पोटेंशियोमीटर को डिस्कस किया तो वहाँ हमने देखा कि पोटेंशियल को मेजर करने वाली तीन तरह की डिवाइसेस थी। एक था वोल्टमीटर, दूसरा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप थी और तीसरा एवोमीटर। तो आज हम वही कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को आप शॉर्टली CRO भी कह सकते हैं। तो जो डेफिनेशन है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप या CRO की, वो क्या है? डेफिनेशन है, CRO इज अ हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस। यानी कि ये एक ग्राफ प्लॉट करने वाली डिवाइस है जो कि बहुत ही हाई स्पीड के साथ ग्राफ को प्लॉट करती है। किन किन क्वांटिटीज का ये ग्राफ प्लॉट कर सकती है? ऐसी क्वांटिटीज जो टाइम डिपेंडेंट हों, जैसे वोल्टेज है, करंट है, इनको ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लॉट करती है। अच्छा, बुक पर जो इसकी डेफिनेशन है वो है, अ डिवाइस विच ट्रेसिस द डिजायर्ड वेव फॉर्म विद अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कैथोड रेज इज कॉल्ड कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो इसको कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कहने की बेसिक वजह यही है कि इसमें कैथोड रेज जो है वो इस्तेमाल होगी, जिनकी हेल्प से आप क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे। या इसकी दूसरी डेफिनेशन बन सकती है, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड फॉर द प्लॉटिंग द ग्राफ्स एट अ वेरी हाई स्पीड। ये वही बात होगी कि ये एक ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस है जो कि हाई स्पीड पर ग्राफ को प्लॉट करवा सकती है। तो अब जो है हम बेसिक जो इसके पार्ट्स हैं यहाँ से पढ़ेंगे और बाकी जो पिक्चर है या फिगर है वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप कोई डिवाइस करते हैं उसकी डेफिनेशन के फौरन बाद आपको इसका प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि ये किस प्रिंसिपल की बेस पे काम कर रही है। तो जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है, इसका प्रिंसिपल है, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डिफ्लेक्टेड व्हाइल पासिंग थ्रू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट बिटवीन टू सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट्स। कहते हैं कि अगर आप एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दो पैरेलल सेट ऑफ प्लेट्स के बीच में से गुजारें तो वो डिफ्लेक्ट होगी। दिस बीम देन फॉल्स ऑन अ फ्लोरिसेंट स्क्रीन वेयर इट मेक्स अ विजिबल स्पॉट। देन उन प्लेट से डिफ्लेक्ट होने के बाद ये एक फ्लोरिसेंट स्क्रीन के ऊपर गिरेगी, जिसके ऊपर ये स्पॉट, विजिबल स्पॉट जो है वो बना देगी। इट कैन डिस्प्ले ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस वेरिंग रैपिडली विद टाइम। ऐसे फंक्शंस का ग्राफ जो है प्लॉट कर सकती है जो वेरी कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका प्रिंसिपल हमें ये बता रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन बीम को, जैसे अगर ये इसकी अभी हम फिगर को समझते हैं फिर आपको मजीद क्लियर होगा कि एक इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो पैरेलल प्लेट्स में से डिफ्लेक्ट होती हुई जब फ्लोरिसेंट स्क्रीन के साथ टकराएगी तो वहां पे एक विजिबल स्पॉट हमें देगी। उस विजिबल स्पॉट से करते करते फिर एक ग्राफ बनेगा जो कि ग्राफ वेरिएबल फंक्शंस को शो करेगा। तो ये इसकी, इसी डायग्राम को मैंने यहाँ पे भी बना लिया ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ लग सके। ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की डायग्राम है। आप देखें यहाँ पे सबसे पहले एक लगा होता है फिलामेंट। फिलामेंट को जब आप हीट करेंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। सॉरी, फिलामेंट को जब आप हीट करेंगे तो एक कैथोड को हीट कर देगा और कैथोड में से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये एमिट करेगा। अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड में से एमिट होंगे वो ग्रिड जो है वो उनको आगे से आगे जाने देगा। ये जो ग्रिड है आगे लगी हुई, इसको कैथोड की बजाय ज्यादा पोटेंशियल दिया जाता है, नेगेटिव पोटेंशियल इसको ज्यादा प्रोवाइड किया जाता है ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को कंट्रोल कर सके। तो जो ग्रिड है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के नंबर को कंट्रोल करेगा। अब यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। कंस्ट्रक्शन में आए, कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ जी, इट कंसिस्ट ऑफ हाईली इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। यानी ये एक ग्लास ट्यूब है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो है बेसिकली क्या है, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है। उसके अंदर क्या है जी, वन एंड ऑफ ट्यूब हैज एन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉन गन। एक एंड पे इलेक्ट्रॉन गन है, ये वाला जो एंड है ये इलेक्ट्रॉन गन कहलाता है, इतना इतना सारा पोर्शन। अच्छा जी, विच प्रोड्यूसेस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर एंड हैज अ फ्लोरिसेंट स्क्रीन। दूसरे एंड पे क्या है, फ्लोरिसेंट स्क्रीन है विच इज कोटेड विद अ मटेरियल लाइक जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड जो है ये फ्लोरिसेंट स्क्रीन बनाने के लिए काम आता है, ये एक ऐसा मटेरियल है। अब फ्लोरिसेंट स्क्रीन क्या करती है, जब इसके ऊपर आप कोई बीम या कोई रे फॉल करवाते हैं
शॉर्ट वेवलेंथ की, तो ये क्या करती है, एक ऐसी रे को एमिट करती है जिसकी वेवलेंथ बड़ी होती है, यानी कि विजिबल रीजन में आ जाती है एमिट। जो इसके साथ स्ट्राइक करती है रे, वो हमें अगर नज़र ना भी आ रही हो तो फ्लोरिसेंट स्क्रीन के साथ टकराने के बाद जो रे इमिट होगी वो हमें विजिबल होगी। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या इलेक्ट्रॉन बीम जब इसके साथ टकराएगी तो हमें यहाँ पे जो है विजिबल एक ग्राफ शो होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन गन। अब ये वाला जो पोर्शन है सारा ये आपको एक्सप्लेन किया जाएगा इलेक्ट्रॉन गन। इधर जरा आप जो डायग्राम मैंने सेपरेट बनाई हुई है वो देखें, इतने इतने पोर्शन को हमने कह दिया इलेक्ट्रॉन गन। अब इलेक्ट्रॉन गन में क्या क्या चीज आ रही है, फिलामेंट, एफ फॉर फिलामेंट, कैथोड, फिर है जी ग्रिड, फिर है ये एस तो नहीं आएगा इसके अंदर, एफ सी जी हो गया, और ये तीनों जो हैं एनोड्स, ये तीनों किस में आएंगी, इलेक्ट्रॉन गन में आ गई। ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स लगी हैं और एंड पे क्या लगा हुआ है, एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगी हुई है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गन को हम पढ़ लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एन इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड। इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड का मतलब है कि पहले फिलामेंट को आप हीट अप करेंगे, वो फिलामेंट कैथोड में से इलेक्ट्रॉन्स एमिट कराएगा उसको हीट अप करके। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन गन जो है इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड पे मुश्तमिल है, अ ग्रिड एंड थ्री एनोड्स। देन इसके अंदर क्या आता है जी, एक ग्रिड है जी और तीन एनोड्स हैं। इतना इतना पोर्शन क्या कहलाएगा इसका, इलेक्ट्रॉन गन। अगर आप इधर से देखें तो इतना इतना पोर्शन इसका इलेक्ट्रॉन गन कहलाएगा। और इस पोर्शन का काम क्या है, एंड प्रोवाइड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस पोर्शन ने हमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करनी है। द फिलामेंट एफ हीट्स द कैथोड विद विच एमिट्स इलेक्ट्रॉन। फिलामेंट एफ जो है कैथोड को हीट करवाएगा, ये मैं आपको अभी पहले भी बता चुकी हूँ, जिसमें से फिर क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। द एनोड्स ए वन ए टू एंड ए थ्री आर एट ए हाई पॉजिटिव पोटेंशियल। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो एनोड को हमने पॉजिटिव पोटेंशियल देना है, हाई पॉजिटिव पोटेंशियल देना है, ताकि इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट कर सके विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। कैथोड को नेगेटिव देना और एनोड्स को पॉजिटिव देना आपने। दे नॉट ओनली एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉनिक बीम बट ऑल्सो फोकस देम ऑन अ फिक्स्ड स्पॉट ऑन द स्क्रीन एस। ये ना तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाते हैं ये तीनों एनोड्स, बल्कि इनको फोकस भी करते हैं ऑन फ्लोरिसेंट स्क्रीन एस के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट आता है जी आपका ग्रिड। द ग्रिड जी इज एट अ नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। ग्रिड जी को कैथोड को भी नेगेटिव किया हुआ है आपने और ग्रिड को भी नेगेटिव, लेकिन ग्रिड को आपने थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल देना है ताकि इलेक्ट्रॉन के नंबर को कंट्रोल कर सके। इट कंट्रोल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर एक्सेलरेटेड बाय एनोड्स एंड सो इट कंट्रोल्स द ब्राइटनेस ऑफ द स्पॉट फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। अब जो स्क्रीन पे बनेगा स्पॉट, ज़ाहरी बात है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक हुए उतना ज़्यादा ब्राइट बनेगा। तो ये जो है ग्रिड, ये कंट्रोल करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स कि ये इनडायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर ब्राइटनेस को कंट्रोल कर रही है। तो अक्सर ये MCQs में भी क्वेश्चन आ जाता है कि CRO का ऐसा कौन सा पार्ट है जो स्क्रीन की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकता है, तो इसका आंसर है जी ग्रिड। ग्रिड एक ऐसा पार्ट है जो स्क्रीन की ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है। अच्छा, ये हो गया फिलामेंट, कैथोड, ग्रिड, एनोड्स हो गई। फिलामेंट को हीट किया, कैथोड को नेगेटिव पोटेंशियल दिया हुआ है जिसने, फिलामेंट ने कैथोड को हीट किया, देन कैथोड में से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए, ग्रिड ने उन में से स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन्स को आगे जाने दिया। अब एनोड्स के ऊपर हाई पॉजिटिव पोटेंशियल है, इस तरह से है कि A1 से ज़्यादा होगा A2 के ऊपर पोटेंशियल और A3 के ऊपर A2 से भी ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स आगे जाते जाएंगे पोटेंशियल जो है एनोड्स पे बढ़ता जाएगा। अब इन एनोड्स ने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करना है ऑन फ्लोरिसेंट स्क्रीन के ऊपर। अब नेक्स्ट जो है डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं, उनको पढ़ते हैं। एक्स एंड वाई आर द टू सेट्स ऑफ डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन प्लेट्स इट डिफ्लेक्ट्स द बीम हॉरिजॉन्टली ऑन द स्क्रीन। इधर लिखा हुआ था व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन द एक्स प्लेट्स इट डिफ्लेक्ट्स द बीम हॉरिजॉन्टली ऑन द स्क्रीन दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द वाई प्लेट्स इट डिफ्लेक्ट्स द बीम वर्टिकली ऑन द स्क्रीन अलोंग द वाई एक्सिस। यानी जब आप एक्स प्लेट्स को वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो ये बीम को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेंगी, और जब वाई प्लेट्स का वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो ये बीम को
वाई डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेंगी। ठीक, अब है जी स्वीप और टाइम बेस जनरेटर क्या है। द वोल्टेज दैट इज अप्लाइड अक्रॉस द एक्स प्लेट्स इज यूजुअली प्रोवाइडेड बाय अ सर्किट दैट इज बिल्ट इन द CRO। अब जो एक्स प्लेट्स को आपने वोल्टेज देना है ना, वो एक ऐसे बिल्ट इन सर्किट से प्रोवाइड किया जाता है, यानी CRO के अंदर ही कोई एक ऐसा उन्होंने सर्किट लगा दिया एक्स प्लेट्स के साथ ही, जिन्होंने इन प्लेट्स को वोल्टेज प्रोवाइड करना है। इट इज़ नोन एज स्वीप और टाइम बेस जनरेटर। इसको आप स्वीप और टाइम बेस जनरेटर भी कह सकते हैं। इट्स आउटपुट वे फॉर्म इज अ sawtooth वोल्टेज ऑफ पीरियड टी एज शोन इन द फिगर। द वोल्टेज इंक्रीजेज लीनियरली विद टाइम फॉर अ पीरियड टी एंड देन ड्रॉप्स टू जीरो। यानी कि जब स्टूडेंट्स आपने सिर्फ एक्स प्लेट्स के ऊपर वोल्टेज प्रोवाइड किया हुआ है, वाई प्लेट्स तब ऑफ है, यानी एक्स प्लेट्स को ऑन किया, वाई को ऑफ किया, एक्स प्लेट्स को बिल्ट इन सर्किट जो है CRO का वो वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। जब सिर्फ एक्स ऑन होगी तो इस तरह की एक sawtooth वेव फॉर्म जो है हमें हासिल होगी, यानी कि ये वेव जो है लीनियरली बढ़ रही है और सडनली ये ड्रॉप टू जीरो हो रही है। फिर ये लीनियरली बढ़ रही है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, और जब वाई की बारी आई है, क्योंकि वाई तो इस वक्त ऑफ है, तो ये सडनली ड्रॉप टू जीरो हो जाएगा। तो ये आप इसको, इस किस्म की वेव फॉर्म को आप बोलते हैं sawtooth, यानी कि saw का मतलब होता है आरी, आरी के दांतों जैसी वेव फॉर्म। तो ये है sawtooth वेव फॉर्म, जब आपने वाई एक्सिस वाली वाई प्लेट्स के ऊपर कोई पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं किया हुआ, सिर्फ एक्स प्लेट्स के ऊपर आपने पोटेंशियल प्रोवाइड करना है, तो आपको sawtooth वेव फॉर्म जो है वो ऑब्टेन होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। व्हेन दिस वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द एक्स प्लेट्स देन दिस स्पॉट इज डिफ्लेक्टेड लीनियरली अलॉन्ग एक्स एक्सिस फॉर अ टाइम टी। द स्पॉट देन रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेरी क्विकली बिकॉज sawtooth वेव फॉल्स टू इट्स इनिशियल वैल्यू एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। इफ द टाइम पीरियड टी इज वेरी स्मॉल वी सी जस्ट अ ब्राइट लाइन ऑन द स्क्रीन। ये वही सारी बात है कि अगर आपने एक्स प्लेट्स को सिर्फ वोल्टेज दिया हुआ, तो जो स्पॉट है लीनियरली डिफ्लेक्ट होगा, यानी कि इस तरह लीनियरली इंक्रीज होगा, देन सडनली ड्रॉप टू जीरो हो जाएगा क्विकली। इट्स स्टार्टिंग पॉइंट ऑन द स्क्रीन, इधर से द स्पॉट देन रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेरी क्विकली। यानी कि यहाँ से अगर आप इस वेव फॉर्म को ही देख लें, तो ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे वेरी क्विकली रिटर्न हो गया, बिकॉज sawtooth वेव फॉल्स टू इट्स इनिशियल वैल्यू एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। यहाँ से यहाँ जब एक टाइम पीरियड कम्प्लीट हुआ, तो वेव जो है अपनी इनिशियल वैल्यू पे आके रुक जाएगी, या अपनी इनिशियल वैल्यू पे आके वापस आ जाएगी। इफ द टाइम टी इज वेरी स्मॉल, कहते हैं कि अगर टाइम बहुत ही स्मॉल हो, तो आपको जस्ट एक ब्राइट लाइन जो है स्क्रीन के ऊपर नजर आएगी। ठीक हो गया। अब साइनोसॉइडल वेव एंड सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इफ अ साइनोसॉइडल वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द वाई प्लेट्स एंड टाइम बेस्ड वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द एक्स प्लेट्स। तो अब जो है टाइम बेस्ड वोल्टेज आपने एक्स प्लेट्स को दिया और वाई प्लेट को आपने दे दिया है एक साइनोसॉइडल वोल्टेज, तो क्या होगा। देन द साइनोसॉइडल वोल्टेज विल अपीयर एज साइनोसॉइडल ट्रेस ऑन द स्क्रीन। जो वाई पे आपने दिया था वही जो है स्क्रीन के ऊपर अपीयर होगा इस तरह से। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। द पैटर्न विल अपीयर स्टेशनरी इफ टी बिकम्स इक्वल टू टाइम पीरियड और सम मल्टीपल ऑफ द वोल्टेज ऑन वाई प्लेट्स। अब कहते हैं जो एक्स एक्सिस पे जो आपने टाइम बेस्ड वोल्टेज प्रोवाइड किया हुआ है, और जो वाई एक्सिस को आपने साइनोसॉइडल वोल्टेज दिया हुआ है, दोनों का अगर टाइम पीरियड सिंक्रोनाइज करते हैं, तो आपको एक स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव मिलेगी स्क्रीन के ऊपर, जो कि इस शक्ल की होती है। आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि स्टेशनरी वेव की ये शक्ल होती है। ठीक हो गया। इट इज दस नेसेसरी टू सिंक्रोनाइज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द टाइम बेस्ड जनरेटर विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज एट द वाई प्लेट्स। दिस इज पॉसिबल बाय एडजस्टिंग द सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल्स प्रोवाइडेड ऑन द फ्रंट पैनल ऑफ द CRO। कहते हैं जी ये इसलिए आपको ये वेव फॉर्म हासिल करने के लिए जरूरी है कि दोनों का जो है वोल्टेज जो है वो सिंक्रोनाइज हुआ हो, दोनों का टाइम सिंक्रोनाइज हुआ हो,
वो किस तरह से आप कर सकते हैं जो ओरिजिनल कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होती है लेबोरेटरीज में जो पड़ी होती है इस शक्ल की होती है वो उसके ऊपर कंट्रोल पॉइंट्स लगे हुए होते हैं उसके ऊपर जिन कंट्रोल नॉब्स या पॉइंट्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं उनके टाइम पीरियड को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी CRO। नेक्स्ट हम इसके यूजेस पढ़ेंगे। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के जो कुछ यूजेस हैं वो ये हैं। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इज यूज फॉर डिस्प्लेइंग द वेव फॉर्म ऑफ अ गिवन वोल्टेज, यानी कि एक जो गिवन वोल्टेज है उसकी वेव फॉर्म को ये रिप्रेजेंट कर सकती है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक डिवाइस है, आप उसका वोल्टेज उसकी वेव फॉर्म चेक करना चाहते हैं किसी वोल्ट मीटर की, तो आप क्या करेंगे उस वोल्ट मीटर के जो वायर्स होंगे उसको कनेक्ट करेंगे CRO के साथ, तो आपको वो उसकी वेव फॉर्म प्रोवाइड करेगी। When the waveform is displayed, we can measure the voltage, frequency and phase. जब वो waveform जो है screen के ऊपर display हुई होगी तो हम वहाँ से क्या क्या चीज़ें measure कर सकते हैं, वहाँ से हम voltage, frequency और phase को measure कर सकते हैं। यानी कि ये अगर एक display हो रही है waveform screen के ऊपर, तो यहाँ से आप इसका वोल्टेज की पीक वैल्यू भी मेजर कर सकते हैं, देन आप इसकी इंस्टेंट वैल्यू भी मेजर कर सकेंगे, देन कितना है जी टाइम पीरियड वो भी आप यहाँ से मेजर कर सकते हैं, और कितनी वेव्स गुजर रही हैं एक टाइम में उससे आपको फ्रीक्वेंसी का पता चल जाएगा, और आप फ्रीक्वेंसी से कुछ फॉर्मूलाज के थ्रू देन फेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या है जी, थर्ड यूज क्या है, एज द वाई एक्सिस इज कैलिब्रेटेड इन वोल्ट्स एंड एक्स एक्सिस इन टाइम। Y एक्सिस को आपने किसका नाम देना है जी, वोल्टेज का, जैसे इस शॉर्ट रूट वेव फॉर्म में आप देखें जरा X एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, और Y एक्सिस वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एज द Y एक्सिस इज कैलकुलेटेड इन वोल्ट्स एंड X एक्सिस इन टाइम द इंस्टेंटेनियस वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज कैन बी मेजर्ड, यानी कि आप वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस और पीक वैल्यू भी जो है आप मेजर कर सकते हैं। द टाइम पीरियड कैन ऑल्सो बी डिटरमिंड बाई यूजिंग द टाइम कैलिब्रेशन ऑफ एक्स एक्सिस। फेज डिफरेंस बिटवीन टू वोल्टेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड बाई डिस्प्लेइंग देयर वेव फॉर्म, यानी कि आप टाइम पीरियड को भी मेजर कर सकते हैं, देन आप फेज डिफरेंस को भी, दो वेव्स को आप स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा सकते हैं एट अ टाइम, उन दोनों का टाइम डिफरेंस भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फेज डिफरेंस भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, इन फिगर 14.14b द वेव फॉर्म्स ऑफ टू वोल्टेजेस आर शोन। ये जो 14.14b है जो फिगर, इसके अंदर दो वोल्टेजेस की वेव फॉर्म, ये उसके ऊपर लिखा हुआ है, ये वन वोल्टेज की है, ये सेकंड वोल्टेज की वेव फॉर्म है। दीज वेव फॉर्म्स शोन दैट व्हेन द वोल्टेज ऑफ वन इज इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ टू इज डिक्रीजिंग एंड वाइस वर्सा, द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज वोल्टेजेस इज 180 डिग्रीज, यानी कि ये दोनों वेव्स इस वक्त बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट फेज शिफ्ट पे जा रही हैं, इनके बीच में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि जब एक वेव इंक्रीज हो रही है तो उसी टाइम पे दूसरी वेव जो है वो उतनी ही डिक्रीज हो रही है, तो इसमें 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है दोनों वेव्स के अंदर। तो ये था हमारा टॉपिक कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसको जरा सम अप कर लेते हैं। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो है एक हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस है। ये किन बीम को या किन रेज को यूज़ करती है, ये इलेक्ट्रॉन बीम या इलेक्ट्रॉन रेज को यूज़ करके तो हमें ग्राफ प्लॉट करके देती है। हमारे पास जो इसके पार्ट्स हैं, एक है जी इलेक्ट्रॉन गन, दूसरी है डिफ्लेक्शन प्लेट्स, और तीसरा पार्ट होता है फ्लोरिसेंट स्क्रीन। जो इलेक्ट्रॉन गन है इसके अंदर फिलामेंट लगा होता है, कैथोड होती है, ग्रिड होती है, एनोड्स होती हैं। जो डिफ्लेक्शन प्लेट्स पार्ट है इसमें एक्स और वाई प्लेट्स होती हैं, और जो फ्लोरिसेंट स्क्रीन है ये जिंक सल्फाइड की बनी हुई एक हमारे पास स्क्रीन है जिसके ऊपर हमें ग्राफ जो है वो मिलता है। अब इसकी वर्किंग किस तरह से होती है, फिलामेंट को हीटअप किया जाता है जो कैथोड को हीट करता है, कैथोड इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करती है, ग्रिड उन इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करके आगे भेजती है, एनोड्स उन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं और स्क्रीन के ऊपर फोकस करवाते हैं। देन जब वो इलेक्ट्रॉन बीम एक्स प्लेट्स और वाई डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में से गुजरती है तो वो एक्स प्लेट्स में से जब गुजरती है तो एक्स एक्सिस पे प्लॉट होती है, वाई में से जब गुजरती है तो वाई पे प्लॉट होती है, और देन स्क्रीन पर जाके हमें ग्राफ प्रोवाइड करती है। अब जब हमने एक्स प्लेट्स को ऑन किया हुआ है, वाई को ऑफ किया था, तो हमें एक सॉ टूथ फॉर्म में वेव फॉर्म मिली थी जो लीनियरली इंक्रीज हो रही थी और सडनली ड्रॉप टू इट्स इनिशियल वैल्यू हो गई थी।
ये एक्स एक्सिस पे आपने टाइम को रिप्रेजेंट किया और वाई एक्सिस पे आपने वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया। जब आपने एक्स और वाई दोनों प्लेट्स को आपने वोल्टेज प्रोवाइड करना है तो आपको एक साइनोसॉइडल, यानी जब वाई पे आपने साइनोसॉइडल वोल्टेज दिया और एक्स को आपने टाइम पे वोल्टेज दिया तो आपको इस तरह की साइनोसॉइडल वेव फॉर्म मिली। और जब दोनों का जो टाइम पीरियड था वो सिंक्रोनाइज कर गया दोनों वेव्स का, एक्स और वाई प्लेट वाली वेव का, तो हमें इस तरह का स्टैंडिंग वेव वाला ग्राफ मिलेगा। देन एंड पे हमने यूजेस ऑफ सीआरओ पढ़े कि सीआरओ जो है ये ग्राफ वेव फॉर्म को डिस्प्ले करने वाली एक मशीन या डिवाइस है। इसकी जो वेव फॉर्म है उसके थ्रू आप वोल्टेज, फ्रिक्वेंसी और फेज को मेयर कर सकते हैं। इसकी वाई एक्सिस पे आपको वोल्टेज दिया होता है, एक्स एक्सिस पे टाइम दिया होता है। इस तरह से आप एक्स एक्सिस को यूज करते हुए आप टाइम मेयर कर सकते हैं, टाइम पीरियड, और वाई एक्सिस के थ्रू आप पीक वैल्यू वोल्टेज की मेयर कर सकते हैं या इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी मेयर कर सकते हैं। आप दो वेव्स को एट अ टाइम प्लॉट करके तो उनका फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्टूडेंट्स, कैथोड रे ऑसिलोस्कोपी की हमारी रियल लाइफ में जो एग्जांपल है, आपकी जो टीवी की स्क्रीन होती है या कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है जिसपे आप पिक्चर एक बनी हुई देखते हैं या उसको आप डिस्प्ले स्क्रीन बोलते हैं, वो क्या होती है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, यानी कि आपकी रियल लाइफ में जो सीआरओ की सबसे बड़ी एग्जांपल है वो क्या है? टीवी की स्क्रीन या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन। तो ये था हमारा